वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएड फर्स्ट सेम के लिए जो आपका सेकंड पेपर है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये साइकोलॉजी का पेपर हो जाता है। इसमें यूनिट फर्स्ट को कवर किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका थीम है। तो इस होल यूनिट को इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर सेकेंड है ये साइकोलॉजी का, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सिलेबस को। तो फर्स्ट यूनिट के लिए हम सिलेबस क्या है इससे गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें कवर किया जाएगा साइकोलॉजी को, देन एजुकेशनल साइकोलॉजी को कवर किया जाएगा, फिर वेस्टर्न और इंडियन साइकोलॉजी और इसके बीच डिफरेंस जो आता है वो देखेंगे, देन कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को, वो सारे मेथड्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अब यूनिट को। तो यहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी जो टर्म है, तो साइकोलॉजी टर्म दो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, साइकी प्लस लोगस से। साइकी का मीनिंग हो जाता है सोल से और लोगस का मीनिंग हो जाता है साइंस से। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है साइंस ऑफ सोल, या इसको आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं, मस्तिष्क का विज्ञान भी कहते हैं। देन साइकोलॉजी यहाँ पर स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, उसके परफॉर्मेंस को और उसके जितने भी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, कॉग्निटिव जो भी एबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी हैं, उन सबको मेजर किया जाता है, यहाँ पर स्टडी किया जाता है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि साइकोलॉजी एक तरह से स्टडी हो जाती है जिसमें हम इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं इन द रिलेशन ऑफ देयर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में रहकर एक इंडिविजुअल क्या क्रियाकलाप करता है, क्या एक्टिविटीज़ करता है, उन्हीं सारी स्टडीज़ को साइकोलॉजी में शामिल किया जाता है। नेचर ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को और रिलेटेड होता है अदर डिसिप्लिन से भी, क्योंकि यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो और सारे सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करता है। साइकोलॉजी यहाँ पर एजुकेशन से भी कनेक्ट करता है, फिलॉसफी से भी कनेक्ट करता है, इस तरह से अलग अलग डिसिप्लिन से भी कनेक्ट करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करती है साइकोलॉजी यहाँ पर, कि हर एक चिल्ड्रन एक दूसरे से डिफर होता है। इसमें स्टडी किया जाता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को, और ये बच्चे के ग्रोथ में कैसे हेल्पफुल होते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक तरीका है साइकोलॉजी यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, जानने के लिए। इट इज़ अ वे ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के भी तरीके इसमें आते हैं, इसलिए इसको एक तरह से काउंसलिंग का जो है रास्ता बताया जाता है। देन यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो कई सारी ब्रांचेस होती हैं साइकोलॉजी की। फर्स्ट है यहाँ पर अबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि साइकोपैथिकलॉजी और अबनॉर्मल बिहेवियर को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है इसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग आती हैं, जो कि बताती हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल लर्निंग करता है, चीज़ों को सीखता कैसे है वो। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक तरह से असेसमेंट और ट्रीटमेंट होती है मेंटल इलनेस का, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो आप वर्ड से ही गेस करते हैं इसको, कि यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम्स को जो है ट्रीट किया जाता है, उसको असेस किया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो होती है वो पूरी तरह से इंटरनल मेंटल स्टेट से रिलेटेड होती है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ मेंटल होती हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है इम्प्रूव करती है ये सोशल इमोशनल और पर्सनल हेल्थ को एक इंडिविजुअल के। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरी तरह से एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड होती है, इसमें हम स्कूल से रिलेटेड चीज़ें कंसर्न करते हैं। टीचिंग साइकोलॉजी आती है, इसमें एजुकेशनल इशूज को कंसर्न किया जाता है। देन द टर्म इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेन टर्म हो जाती है। तो साइकोलॉजी का यूज जब हम एजुकेशन की फील्ड में करते हैं तब इसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज करने से यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पर कई सारे डिसिप्लिन को और आइडियाज प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करती है टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट के लिए भी। तो इस तरह से ये एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग के लिए। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस करता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड्स प्रिंसिपल्स और चीज़ें बताई जाती हैं वो टीचर्स से रिलेटेड होती हैं यहाँ पर, और स्टूडेंट को सेंटर में रख के की जाती हैं, कंसीडर की जाती हैं। देन इसकी अप्रोचेस जो हैं साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, ये सारे करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दी गई है क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, जिसमें इन्होंने बताया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसीडर करता है ऐसी कंडीशंस को जो कि लर्निंग के लिए इफेक्टिव होती हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरह से लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं उन्हीं को स्टडी किया जाता है, उन्हीं को कंसर्न किया जाता है। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर साइंस भी है, क्योंकि यहाँ पर मेथड्स की, प्रोसीजर की बात होती है, एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है। ये एक तरह से नेचुरल साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पॉजिटिव साइंस भी है और अप्लाइड साइंस भी है। इस तरह से यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, इसका नेचर हो गया। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लर्नर के लिए भी इसका स्कोप होता है, क्योंकि यहाँ पर एक लर्नर को प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें जो है अवेयरनेस दी जाती है
सब्जेक्ट मैटर के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, डिसिप्लिन्स के बारे में और लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में। देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए भी स्कोप हो जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पर एक डिजायरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि बच्चे को जो है लर्निंग कराई जा सके, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कराया जा सके स्टेज के अकॉर्डिंग। देन लर्निंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ पर लॉज, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे लर्निंग जो है कराई जा सकती है। लर्निंग एनवायरनमेंट को बेटर क्रिएट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स और सिचुएशन उसको अफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में बेटर नॉलेज दी जाती है। इसमें टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है और जो एड्स या मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनकी बेटर नॉलेज दी जाती है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, होलसोल डेवलपमेंट किया जाता है यहाँ पर बच्चे का। हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि ये दोनों ही बच्चे के ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल पार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी हेल्पफुल रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर किया जाता है कि एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफर होता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया जाता है जो कि ना सिर्फ बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है बल्कि टीचर्स के लिए और अदर एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहता है। इस तरह से फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 तरह के फंक्शंस बताए गए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे पहले हेल्पफुल होती है अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो है लर्निंग के प्रिंसिपल्स को समझा जा सकता है, बेटरली उनको समझा जा सकता है जिससे कि बच्चों के लिए जो है अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की जब जानकारी होती है टीचर्स को तो वो बच्चे को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपनी जो है लर्निंग को इम्प्रूव कर सके और इन सारी नॉलेज को जो है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सके, उनको अप्लाई कर सके। देन सेकंड फंक्शन हो जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का। इसमें जो है मेंटल एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड, अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी को एसेस किया जाता है, मेज़र किया जाता है एक टीचर के द्वारा। तो जब बच्चे की ये सारी क्वालिटीज़ को एक टीचर बेटर जानता है तो यहाँ पर जो है उसे ईजी हो जाता है कि किस मैथड से टीचिंग करनी है, क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है बच्चे को जिससे कि का ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटर हो सके। देन थर्ड फंक्शन आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रिवेंशन ऑफ माल एडजस्टमेंट्स। तो प्रिवेंशन ऑफ माल एडजस्टमेंट के लिए भी जरूरी हो जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट कराए जाते हैं, इनकी जो है प्रैक्टिस दिलाई जाती है, नॉलेज दिलाई जाती है स्टूडेंट्स को कि वो जो है अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग की जो है अपनी दिनचर्या रखें, चीज़ों को करें, लाइफ को जो है एक तरह से जनरलाइज कर सकें। देन फोर्थ फंक्शन हो जाता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि एक साइंटिफिक प्रोसेस में बच्चा इन्वॉल्व हो सके, उन सारी चीज़ों को जान सके, टेक्निकल जो वोकैबुलरी है उसको समझ सके, टेक्निकल प्रोसेस को जान सके। तो ये सारी जानकारी बच्चे को यहाँ पर टीचर के द्वारा दी जाती है। देन फिफ्थ फंक्शन हो जाता है जो कि लास्ट है, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस के भी बच्चों को नॉलेज दी जाती है जिससे कि वो अपने मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सके, खुद के लिए गाइडेंस ले सके अगर उसे कहीं भी नीड है, और अपने मोरल्स को, वैल्यूज़ को एस्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का अगर हम शैक्षिक निहितार्थ देखना चाहें यहाँ पर तो वो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होती है यहाँ पे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो करिकुलम में यूज़ किए जाते हैं जब करिकुलम बनाया जाता है। तो करिकुलम हमेशा बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि उसके मेंटल लेवल को दिमाग में रखे ही करिकुलम सेट किया जा सके। देन मेजरमेंट किया जा सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू लर्निंग आउटकम्स को। तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही परफॉर्मेंस को एसेस किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। देन गाइडेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ द एक्सेप्शनल चाइल्ड, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं जिनको किसी भी तरह का मेंटल इलनेस है या फिर जो है उन्हें किसी भी तरह की एजुकेशनल डिसीज़ है जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, तो इन सारी डिसीज़ से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है यहाँ पर, उनको गाइड किया जा सकता है जिससे कि उनमें ये डेवलपमेंट हो सके, उनकी लर्निंग जो है अच्छी हो सके। प्रोवाइड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू ऐसे गाइडेंस दी जाती है या ऐसे लॉज और प्रिंसिपल्स को सेट किया जाता है जिससे कि ये पूरी एजुकेशनल सिस्टम जो है वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। प्रोवाइड क्वालिटी टीचर्स, तो यहाँ पर एक गुड टीचर को प्रोवाइड किया जाता है, जो भी स्टाफ होगा वो इफेक्टिव रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा जिससे कि वो जो है बच्चे को उनके लाइफ के लिए जो है बेटर बना सकें, नेशन के लिए बेटर बना सकें। देन इम्प्लीकेशन हो जाता है नेक्स्ट यहाँ पर, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ किया जाता है जिससे कि इफेक्टिव क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। साइंटिफिक डिवाइसेज का भी यूज़ किया जाता है क्लासरूम में जिससे कि बच्चे को बेटरली समझ जो है आए। फिर हेल्पफुल इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी हेल्पफुल होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को गेम्स, स्पोर्ट्स,
गर्ल्स को जो है गाइड किया जाता है डिबेट में, कल्चरल प्रोग्राम्स में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे कि वो जो है अपनी और एक्टिविटीज़ को या स्किल्स को इन्हांस कर सकें यहाँ पर। देन डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में, जिसमें बेसिस हो जाता है मीनिंग के बेसिस पे। अगर हम देखते हैं तो साइकोलॉजी हमारी साइंस ऑफ माइंड या मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो जाती है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक तरह से एप्लीकेशन है साइकोलॉजी का एजुकेशन के फील्ड में। देन यहाँ पर नेचर की बात करते हैं तो साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस हो जाती है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच हो जाती है साइकोलॉजी की, इसलिए ये अप्लाइड साइंस है। पर्पज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी में हम आइडेंटिफाई करते हैं एक इंडिविजुअल की पोटेंशियलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को और टैलेंट को, जबकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इन एक्टिविटीज पोटेंशियलिटीज और टैलेंट को इन्हांस करती है विद इन द प्रॉपर एनवायरनमेंट। देन यहाँ पर स्कोप आ जाता है, तो साइकोलॉजी का एक वाइड स्कोप हो जाता है, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में आएगा। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है, चूंकि ये एजुकेशन से ही रिलेटेड हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका स्पेसिफिक और लिमिटेड स्कोप हो जाता है। डिपेंडेंसी की बात करें अगर हम, तो ये इंडिपेंडेंट होती है साइकोलॉजी, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी इसकी एक ब्रांच है, इसलिए ये डिपेंडेंट हो जाती है साइकोलॉजी पे ही। देन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन साइकोलॉजी की, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर कई सालों से पूछा जा रहा है रेपिटेटिवली। देन यहाँ पर वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे बताती है कि कैसे जो है देर आर डिफरेंसेज बिटवीन साइकोएनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, तो ये सारे स्कूल्स हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के, और इन सब के बीच में डिफरेंस बताया जाता है वेस्टर्न साइकोलॉजी के थ्रू। वेस्टर्न साइकोलॉजी एक तरह से दो डायमेंशन पर फुली एसेस होती है, यहाँ पर कॉन्शियसली वर्क करती है, जिसमें फिजिकल और सोशल ये दो डायमेंशन हो जाते हैं इसके। देन वेस्टर्न साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप टू वंस हेल्थ एंड वेलबींग, एक इंडिविजुअल के हेल्थ और उसके वेलबींग के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है। देन इंपॉर्टेंट स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न स्कूल में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, गेस्टाल साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो है इन सारे स्कूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में हम लोग। देन इंडियन साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन साइकोलॉजी आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड होती है, जिनको थाउजेंड ईयर से जो है डेवलप किया जा चुका है पहले से ही। तो ये जो है वेदास पर बिलीव करते हैं, उपनिषद पर बिलीव करते हैं पूरी तरह से। इंडियन साइकोलॉजी रिफर करती है साइकोलॉजिकली रिलेवेंट मटेरियल पर, जो कि एंशियंट थॉट पर बिलीव करते हैं। देन अगर ओरिजन हम देखना चाहें इंडियन साइकोलॉजी का, तो वो एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में पाया जाता है। इसके तीन मेन सोर्सेज हो जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट वन है यहाँ पर, सेकेंड वेदास से इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया है, ओरिजन है इसका। देन थर्ड यहाँ पर उपनिषद हो जाते हैं। तो वेदास का जो लास्ट पार्ट होता है वही उपनिषद में कंसीडर किया जाता है, वही उपनिषद में लिखे गए हैं। देन सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल आ जाते हैं इंडियन साइकोलॉजी में, जिसमें फर्स्ट वन सामाख्या है, सेकंड वन योगा है, थर्ड वन न्याय है, फोर्थ वन वैशेषिका हो जाता है, और फिफ्थ वन मीमांसा, सिक्स यहाँ पर वेदांता हो जाता है। इस तरह से ये सारे छः स्कूल्स हो जाते हैं, और हेट्रोडॉक्स स्कूल भी हैं यहाँ पर, जिसमें दो स्कूल्स आते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं वो वेदास में बिलीव करते हैं, और जो हेट्रोडॉक्स स्कूल्स हैं वो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड इंडियन साइकोलॉजी। तो वेस्टर्न और इंडियन साइकोलॉजी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है इसके दो मेन जो है डायमेंशन हैं, जिसमें फिजिकल और सोशल स्टेट डायमेंशन में कवर किया गया है। इंडियन साइकोलॉजी जो है इसका साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जिससे कि हम कॉन्शियसली जो है रियलिटी को देखते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो नॉलेज ऑफ सेल्फ है वो एक तरह से फंडामेंटल साइंस के रूप में वर्क करता है। देन रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न साइकोलॉजी यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के अराउंड ही चलती रहती है, या वेस्टर्न कल्चर में ही इन्वॉल्व है, जबकि जो इंडियन साइकोलॉजी है वो रिवॉल्व होती है पूरी तरह से क्वेश्चंस पर कि मैन का नेचर क्या है, मैन की हार्मनी क्या है। देन नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है एक्चुअलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो चीज़ों को एक जो है बिग फॉर्म में देखती है यहाँ पर, जबकि जो इंडियन साइकोलॉजी है वो उनको एक एक्चुअल फॉर्म में ही देखती है, जैसे कि वो एग्जिस्ट करती हैं। देन बेसिस नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर बिलीफ इन रीइंकारनेशन एंड कर्मा। तो यहाँ पर पुनर्जन्म और कर्म पर कौन विश्वास करता है, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करती है, जबकि इंडियन साइकोलॉजी कर्म और रीइंकारनेशन पर बिलीव करती है। टाइम टेकिंग के बेसिस पर देखते हैं यहाँ पर, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है यहाँ पर वो चीज़ों को नाउ के फॉर्म में देखती है, जो आज है अभी है उन सारी चीज़ों को ही देखती है, जबकि जो इंडियन साइकोलॉजी है वो एक टाइम टेकिंग
प्रोसेस में भी चली जाती है, पेशेंसफुली यहाँ पर चीज़ों को देखा जाता है, उनसे डील किया जाता है। ट्रेडिशनल कंसिडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों को ही देखा जाता है वेस्टर्न साइकोलॉजी को, जिनमें वो खुद कर पाते हैं जो जो उनका आज का जो है थॉट प्रोसेस है उन सारी चीज़ों को, जबकि जो इंडियन साइकोलॉजी है वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। देन साइकोलॉजी एज अ साइंस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, जो कि इसके मीनिंग से ही निकलता है यहाँ पर। ये एक तरह से एकेडमिक डिसिप्लिन भी होती है, एकेडमिक अप्लाइड साइंस भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अंडरस्टैंड किया जाता है इंडिविजुअल को या ग्रुप्स को जनरल फंक्शंस के थ्रू या फिर स्पेसिफिक केसेस के थ्रू। तो क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर स्पेलिंग क्रो की सही कर लीजिएगा, डब्ल्यू आर लगेगा। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग कहना था कि साइकोलॉजी एक तरह से यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर्स को भी स्टडी करती है और ह्यूमन रिलेशंस को भी स्टडी करती है। एज साइकोलॉजिस्ट लेविन के अनुसार यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है एक इक्वेशन को, तो उन्होंने बताया है बी इज इक्वल टू एफ देन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट होता है पी कॉमा ई देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर जो बी है वो बिहेवियर के लिए होता है, तो बिहेवियर इज इक्वल टू एफ फॉर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय पर्सन इंटू एनवायरनमेंट, पी फॉर पर्सन एंड ई फॉर एनवायरनमेंट। तो इस तरह से बिहेवियर एक तरह से फंक्शन हो जाता है पीपल और एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशंस के थ्रू, और ह्यूमन यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है इन सारी सिचुएशंस में। तो साइकोलॉजी एक तरह से स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को ओवर्ट और कोवर्ट सिचुएशंस में। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो कि यहाँ पर विजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि चलना खाना ये सारी चीज़ें, जबकि जो कोवर्ट बिहेवियर होता है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इसमें शामिल हो जाते हैं थिंकिंग प्रोसेस या मेमोराइजेशन कितना है एक इंडिविजुअल का। देन नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को, जिसमें कि इंक्लूड किया जाता है एक पर्सन का परसेप्शन क्या है यहाँ पर, उसके देखने का नजरिया क्या है, कॉग्निशन क्या है, अटेंशन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। देन यहाँ पर पॉइंट वाइज भी सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं बाय द ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रेटिंग हाउ द पीपल रिएक्ट विद सेल्फ, अदर्स और एनवायरनमेंट, कैसे वो खुद के साथ में, दोस्तों के साथ में या एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है। देन इन सारे फिनोमेनाज पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है परसेप्शन, कॉग्निशन, इमोशन, पर्सनैलिटी, बिहेवियर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर। फिर साइकोलॉजी जो है रिफर करती है एप्लीकेशन ऑफ सच नॉलेज टू वेरियस स्फीयर्स, जैसे कि इन सारे चीज़ों में स्फीयर्स में शामिल हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ या उससे रिलेटेड डेली के जो इश्यूज़ हैं वो सारे शामिल होते हैं। साइकोलॉजी एक तरह से बिहेवियरल साइंस भी होती है यहाँ पर। साइकोलॉजी अटेम्प्ट करती है कि कैसे जो है ह्यूमन का रोल है यहाँ पर सोशल एकेडमिक सोशल डायनामिक रोल है यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन एक तरह से कई सारे रोल्स में यहाँ पर सोसाइटी में रहता है, तो ये डायनामिक रोल प्ले किया जाता है ह्यूमन के थ्रू। देन सब फील्ड्स भी होती हैं इसकी कई सारी, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इंडस्ट्री, लॉ, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी। देन साइकोलॉजी डिस्क्राइब करता है और अटेम्प्ट करता है कि कैसे जो है कॉन्शियसनेस, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल भी होता है और समटाइम्स ये हार्मफुल भी हो सकता है। एम्पिरिकल साइकोलॉजी जो है प्राइमरीली डिवोट करती है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर कैसे एक्चुअली अकर करते हैं। देन मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, इन सारे मेथड्स को देख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वन इज़ इंट्रोस्पेक्शन मेथड आ जाता है, देन सेकंड वन इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड इंटरव्यू मेथड, फोर्थ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड है, फिफ्थ यहाँ पर डिफरेंशियल मेथड है, सिक्स्थ क्लिनिकल मेथड है, सेवन्थ केस स्टडी हो जाता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड दो लैटिन वर्ड से लिया गया है, इंट्रो विदिन और एस्पेयर का मतलब हो जाता है लुक, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही इसका जो है मीनिंग हो जाता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही हो जाता है कि हम खुद के थॉट्स लिख रहे हैं, खुद के बारे में ऑब्जर्व करके तब चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पर। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है जिसमें इंडिविजुअल के बिहेवियर को यहाँ पर एक इंडिविजुअल के द्वारा ही लिखा जाता है। ये मेथड विलियम विंट ने इसको डेवलप किया था और इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, ये लिप्जिंग जर्मनी में इस्टेब्लिश की गई थी और इस मेथड को सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के भी नाम से जाना जाता है। देन इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं। इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि सेल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यूजफुल होता है, ईजिली यूजफुल है ये यहाँ पर। देन यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है सब्जेक्ट से उसके साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये सब्जेक्टिव मेथड हो जाता है, तो टाइम टेकिंग भी होता है और यहाँ पर जो है साइंटिफिकली जो है ऑब्जेक्टिव
ट्रैक किए जाते हैं। देन ऑब्जर्वेशन सेकेंड मेथड है यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो जाता है कि सेल्फ का ऑब्जर्वेशन किया जाता है यहाँ पर, और ये जो है रिप्लेस करता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड को। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी इसको कहा जाता है। ये एक मेथड है जिसके लिए जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। ये एक यूजफुल मेथड हो जाता है जिसमें जहाँ पर एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और डेटा को कलेक्ट करना है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में हो जाता है कि हॉस्पिटल में जैसे टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया जाता है, पल्स, बीपी, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो कि नेचुरल सेटिंग में किया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन जहाँ पर इक्विपमेंट्स में या फिर जो है वेरिएबल्स में जो है कंट्रोल रहता है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर का। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है इसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो जो है विद इन द ग्रुप काम करेगा, पार्ट लेता है उस ग्रुप में। देन नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो डिस्टेंस पर रहता है, वो उन सारे लोगों से जो है अवेयर नहीं रहता है जो उस ग्रुप में रहेंगे जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आ जाती हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। तो सबसे पहले यहाँ पर एडवांटेजेस हो जाती हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की, जिसमें नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाएगा बच्चों को। ये ऑब्जेक्टिव मेथड होता है इसलिए रिलायबल भी होता है, इसको किसी भी एज ग्रुप के बच्चों पर अप्लाई भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ ये डे टू डे लाइफ के लिए भी बेटर होता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में ही डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, सब्जेक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। लैक ऑफ प्रिसिजन रहता है यहाँ पर, और फेल्स होता है यहाँ पर कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ प्रिसिजन का सेंस ये बताया गया है कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर डिफर करती है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, तो उसका परसेप्शन क्या है इस सारी चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का मतलब हो जाता है कि ये एक तरह से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है इन्वेस्टिगेटर के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्ट जो है उन सारी चीज़ों के बारे में तुरंत आंसर करता है। फेस टू फेस ही इन सारी चीज़ों को किया जाता है। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि लॉयर यहाँ पर अपने क्लाइंट से क्वेश्चन करता है, वो एग्जांपल्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, या फिजिशियन जो अपने पेशेंट से जो है क्वेश्चन करता है अपनी उसकी बीमारी के बारे में, वो सारे यहाँ पर एग्जांपल्स इंक्लूड किए जाएंगे। इंटरव्यू मेथड जो है एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला मेथड है। ये लेबोरेटरी और फील्ड दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्ट्स कुछ हो जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है इसमें सब्जेक्ट के बारे में, उसकी इनर फीलिंग्स को जाना जाता है। देन यहाँ पर इंटरव्यूअर और सब्जेक्ट के बीच में जो है रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश किया जाता है, रैपो इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे कि जो डेटा है उसको बेटरली जो है क्रिएट किया कलेक्ट किया जा सके और यहाँ पर एक रैपो इस्टेब्लिश की जा सके उन दोनों लोगों के बीच में। देन यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप भी बिल्डअप किया जा सकता है, क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है सब्जेक्ट को, ये भी इसका एक पर्पज़ हो जाता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड की बात करें यहाँ पर तो फोकस्ड इंटरव्यू हो जाता है, यानी कि किसी एक पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं। रिपीटेड इंटरव्यू भी हो सकता है कि आप बार बार एक ही पर्सन से इंटरव्यू ले रहे हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू भी हो सकता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो डायग्नोस्टिक यहाँ पर किसी एक प्रॉब्लम को आप डायग्नोस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। रिसर्च इंटरव्यू किसी एक फुली रिसर्च के लिए किया जाता है पर्पज़ के लिए। पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। देन यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं इंटरव्यू मेथड की। एडवांटेजेस में आ जाएगा कि हाई पार्टिसिपेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पर सब्जेक्ट का। फ्लेक्सिबल मेथड होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के इमोशंस को भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी एक इसका एडवांटेज हो जाता है। देन जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है वो रिलायबल होता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद उन सारी चीज़ों को आंसर करता है। इंटरव्यू मेथड दोनों ही लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे वो लिटरेट पर्सन हो या इलिटरेट पर्सन हो। देन यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं इंटरव्यू मेथड के, तो ये कॉस्टली होता है क्योंकि बार बार आपको इंटरव्यू करने जाना है। देन यहाँ पर ट्रैवलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लॉट्स ऑफ प्लानिंग की ज़रूरत होती है इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पर, और रिलाई नहीं किया जा सकता है समटाइम्स, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कई बार अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर बेटर नहीं करते हैं या ट्रूथफुल नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट मेथड यहाँ पर आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ऑब्जेक्टिवली या साइंटिफिकली यहाँ पर स्टडी किया जाता है ह्यूमन को यहाँ पर, या उसके ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पर जो बिहेवियरिस्ट हैं जैसे कि थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर, ये सब जो है बिहेवियरिस्ट में कंसिडर किए जाते हैं, और फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन सारी स्टडीज़ को एनिमल पे उन्होंने किया था। देन उनको सेम प्रिंसिपल्स के थ्रू ह्यूमन बींग पे अप्लाई किया गया। देन एक्सपेरिमेंट्स में ये हो जाता है कि समटाइम्स यहाँ पर कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है, तभी जो है एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना जाता है। साइंटिफिक प्रोसेस होता है, और ये जो साइंटिफिक प्रोसीजर अपनाया जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ पर कंपैरिजन करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल
के जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है उसके दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो है कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा ही वेरिएबल होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। देन डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक वेरिएबल को चेंज करने पर उसमें जो है चेंजेस आते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। और एक्सट्रानियस वेरिएबल वो हो जाता है जो इन सारी सिचुएशंस पर जो है डायरेक्टली नहीं इफेक्ट डालता है बल्कि इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स को देखना चाहें तो यहाँ पर एक चिल्ड्रेन को अगर बेटर परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है तो वो रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और उसकी जो लर्निंग है वो डिपेंडेंट हो जाएगी क्योंकि उसकी के बेसिस पर उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। और फटीक या उसकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पर वो एक्सट्रानियस वेरिएबल हो जाती है क्योंकि ये दिखाई नहीं देगी आपको लेकिन इफेक्ट करेगी इस सारी चीज़ों को। देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। मोस्ट साइंटिफिक मेथड होता है इसलिए ये इसका एडवांटेज हो जाता है। यहाँ पर डेटा को ऑब्जेक्टिव मैनर में कलेक्ट किया जाता है, रिलायबल होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है, हाइपोथेसिस फ्रेम की जाती है, सब्जेक्टिव व्यू होता है यहाँ पर और इंक्रीज किया जा सकता है फर्दर रिसर्च के पॉइंट्स को। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस में इसके इंक्लूड हो जाता है कि डिफिकल्ट होता है इसको सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जैसे कि पॉजिटिव साइंस हो जाता है। देन कॉस्टली मैथड है, टाइम कंज्यूमिंग मैथड हो जाता है और यहाँ पर प्रॉपर जो है टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए एक्सपेरिमेंटल को। देन नेक्स्ट मैथड डिफरेंशियल मेथड आता है जो कि इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को यहाँ पर बताता है। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस को कंसीडर किया जाता है, कैलकुलेशन किया जा सकता है उनका। उसके साथ साथ इसको नॉर्मेटिव सर्वे मेथड या फील्ड सर्वे मेथड के भी नाम से जाना जाता है। इस मेथड डिफरेंशियल मेथड का अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पर जो है जैसे रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, अचीवमेंट विद द इंटेलिजेंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनिपुलेट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर दो इंडिविजुअल के बीच में जो इंटेलिजेंस है या उनकी इंटेलिजेंस को यहाँ पर हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल मेथड हो जाता है कि उनमें डिफरेंसेस होते हैं इंटेलिजेंस के बेसिस पे। देन क्लिनिकल मेथड आ जाता है। क्लिनिकल मेथड में डेटा कलेक्ट किया जाता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो माल एडजस्टमेंट से हों या किसी एक स्पेशल केसेस से हों। मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या हो जाता है कि इसमें इंडिविजुअल केसेस को स्टडी किया जाता है उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए और उनको जो है कैसे क्योर किया जा सके, क्या दिया जा सके उनके लिए, स्टेप्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, देन हिस्ट्री को कलेक्ट किया जाता है एक पेशेंट के, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसके मेंटल स्टेटस को देखा जाता है, देन यहाँ पर डायग्नोसिस किया जाएगा उसके लिए क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद ट्रीटमेंट जो है प्रोग्राम बनाया जाता है। केस स्टडी मैथड नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर। केस स्टडी मैथड जो है एक तरह से इमोशनल और मेंटल स्टेट से डील करता है एक इंडिविजुअल के, ये स्पेशल बिहेवियरल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो जाता है यहाँ पर, जो कि जो है एक टीचर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही देखा जाता है। केस स्टडी जो है स्पेशल केसेस में ही इन्वॉल्व किया जाता है मेथड, क्योंकि इसमें इनडेप्थ स्टडी की जाती है, इनडेप्थ एनालिसिस किया जाता है एक इंडिविजुअल का। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द फीलिंग्स फेयर और ट्रामेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की फीलिंग्स को भी इन डेप्थ स्टडी किया जाएगा, फियर को भी स्टडी किया जाएगा और उसके ट्रामेटिक एक्सपीरियंसेस जो हैं किसी एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड उसको भी स्टडी किया जाता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं वो यहाँ पर हैं कि इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है ताकि जो है उसका हायर अचीवमेंट लेवल हो सके। देन यहाँ पर कुछ स्टेप्स हो जाते हैं केस स्टडी मैथड में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, फिजिकल चेकअप किया जाता है एक इंडिविजुअल का, देन कम्फर्टेबल सिचुएशन में उसको लाया जाता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर जो है उसको टायर्ड नहीं करना चाहिए अपने सब्जेक्ट को, ताकि जो सब्जेक्ट है वहाँ यहाँ पर वो अपनी रियल फीलिंग्स को यहाँ पर इनक्लोज कर सके। देन ऑब्जर्वेशन किया जाता है नेचुरल सेटिंग्स में और स्पेशल केस यहाँ पर ट्रीटमेंट पीरियड दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस यहाँ पर आ जाती हैं केस स्टडी मेथड की। केस स्टडी मेथड जो है इफेक्टिव होता है एक इंडिविजुअल को समझने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए और एजुकेशनल फील्ड के लिए भी ये यूजफुल होता है। देन इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं कि टेक्निकली यहाँ पर प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को और उसके साथ साथ यहाँ पर हाईली सब्जेक्टिव होना चाहिए उसको, उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर एरर की, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है वो हायर लेवल पर होता है तो एक रैपो इस्टेब्लिश होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है जिससे कि यहाँ पर पेशेंट को समझ सके इन्वेस्टिगेटर और पेशेंट यहाँ पर फुल्ली अपनी चीज़ों को अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके। देन PYQs की बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर पूछे गए हैं बार बार, तो इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा इजीली। थैंक यू एवरीवन, ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाती है साइकोलॉजी से रिलेटेड।